अब आपको अपने फाइनेंस के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो जो कैलकुलेशन है वो आपकी अर्निंग के बेस्ड है। आपको पहले अपनी मंथली अर्निंग जो है वो निकालनी है कि मंथली अगर आप 50,000 रुपीज अर्न करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50,000 रुपीज अगर आप मंथली अर्न करते हैं, तो 50,000 में से आपको पहले तो सबसे पहले अपने जो ईएमआईज है, जो एग्जिस्टिंग ईएमआईज अगर आप कोई पे कर रहे हैं, उसकी अमाउंट डिडक्ट कर देनी है। यानी कि अगर आप 50,000 में से 5,000 रुपीज के एग्जिस्टिंग ईएमआई को पे कर रहे हैं, तो वो 5,000 रुपीज उस 50,000 में से डिडक्ट करके रहते हैं 45,000। तो 45,000 को डिवाइड बाई 2 कीजिए, यानी कि 50% उसमें से कंप्लीटली निकाल दीजिए, और वो 50% जो रहेगा वो ओनली फॉर होम एक्सपेंसेस, यानी आपके घर के खर्चों के लिए बचा के रखिए, और सेविंग्स के लिए भी। आपकी जो ईएमआई की अमाउंट है दोस्तों, वो आपकी मंथली अर्निंग की अराउंड 20% से कम होनी चाहिए, तो आप हो गए सेफ साइड में। यहाँ पे आपको एक ही चीज इंपॉर्टेंट समझनी है अपने लिए, कि आपको 80% अपने मंथली अर्निंग का 80% जो है उसको सेविंग्स और एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में कंक्लूड करना है, और 20% आपको ईएमआई अमाउंट के लिए ही स्पेंड करना है, और उससे ज्यादा नहीं। और अगर आपको कार लोन्स के बारे में अपना कैलकुलेशन करना है, अपना कंपेरिजन करना है, आपको अगर ईएमआईज की डिटेल्स निकालनी है और फाइनेंशियल टर्म्स को थोड़ा और डीप में समझना है, तो ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है जो इन डिटेल्स को आपको सही तरह से समझने में हेल्प कर पाएगी। और थोड़े बहुत सर्फिंग और कैलकुलेशंस के बाद आप अपना प्रीफर्ड ईएमआई यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट और बजट दोनों चीजें सेट कर पाएंगे। जो भी सेट किया है वो उस ब्लैंक पेपर पे लिख दीजिए कि आपको इतने परसेंटेज अपनी कार में से लोन लेनी है, इतना ईएमआई पे करना है, और इतना जो है वो डाउन पेमेंट आप मैक्स टू मैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी हिंट बताना चाहूंगा दोस्तों, मुझे मालूम है ये गलत चीज है, लेकिन आपको परेशानी ना हो इसी वजह से मैं आपको एक सही गाइडेंस दे रहा हूँ। जब भी आप उन वेबसाइट्स पे सर्फिंग करें, जब भी आप उन वेबसाइट्स पे अपना रिसर्च करें, तब वो लोग आपसे फॉर्म फिलअप करने के लिए कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना नाम, नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मेल आईडी, जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आप उसमें सही तरह से इंसर्ट कर दीजिए, फीड कर दीजिए, और उसके बाद ही आपको वो कैलकुलेशंस मिल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रो टिप ये रहेगी दोस्तों कि प्लीज़ सोच समझकर उस फॉर्म को फिलअप करना। प्रॉब्लम ऐसा कोई नहीं है, कोई सीरियस टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको अपने मेल आईडी पे और अपने फ़ोन पे कॉल्स आना और मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, और अलग अलग ऑफर्स के साथ, डिफरेंट ऑफर्स के साथ डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देगी। अभी अगर आपको ये चीज़ पसंद है, अगर आपको ये चीज़ चाहिए, तो वो सही तरह से करिए। अगर आपको इन सारी परेशानी में नहीं पड़ना है और अपना रिसर्च करके वो वेबसाइट को क्लोज कर देना है, तो आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ।